जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं या ना बनवाएं, क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैसे होता है इसकी जांच, कैसे किया जाता है चेक, बिल्कुल इस वीडियो में आपको स्पष्ट समझाया गया। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें कहां से बनवाने पड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से बनवाएं सर, डीएम ऑफिस से बनवाएं, तहसील ऑफिस से बनवाएं। तो इस संबंध में मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में इनक्लोज अब्लिक संलग्न रहेगा एक प्री वेरिफिकेशन फॉर्म, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फॉर्म संलग्न रहेगा आपके किसके, आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, पहुंचने वाला है, उसके साथ में संलग्न रहेगा। तो आप इसको स्क्रीन पर देख लें, मैं इसको पढ़ के बता देता हूं कि कहां अपने नाम डालने हैं। जैसे यहां पर स्पष्ट दिख रहा है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नो मिस्टर अब्लिक मिसेस, ठीक है, क्या आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो हैं कुमार कुमारी जो हैं, क्या इनको जानते हैं, सन अब्लिक डॉटर ऑफ मिस्टर, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप किसके बेटे हैं। उसके बाद बोला फॉर द लास्ट, आप इनको कब से जानते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहां पे, यहां पे आप एंटर्ड होगी। उसके बाद दे रहा है एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ही बियर्स रेपुटेबल कैरेक्टर एंड हैज नो एंटीसीडेंट विच रेंडर हिम अनसुटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपके सामने जो फॉर्म है, जो अधिकारी आपका साइन करेंगे वो आपका नाम लिख देंगे कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। उसके बाद यहाँ पे साइन करेंगे अपनी डिजिग्नेशन उनका क्या है, अपनी सील लगा देंगे तो उनसे उनको पूरा मालूम चल जाएगा। उसके बाद वो वेरीफाई कर देंगे, तो उसके बाद में एक वेरीफाई और होता है, अपने जो एसडीएम साहब भी कर देते हैं, डीएम साहब भी कर देते हैं, बाकी एसडीएम साहब दोनों ही कर सकते हैं, ऊपर और नीचे का दोनों का भी कर सकते हैं। नीचे वाले में क्या बोला है, आई एम सेटिस्फाइड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैव गिवन द एबव सर्टिफिकेट ऑफ द कैरेक्टर। तो वो बोल रहे हैं जो ऊपर वाला जो लिखा गया है, ऊपर वाला जो सर्टिफाइड किए गए हैं अफसर द्वारा, मैं उनसे सहमत हूं, वो भी अपना यहाँ पे साइन कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने चाहिए या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होने चाहिए या अदर सुपीरियर ऑफिसर, मतलब उच्च अधिकारी होने चाहिए, जो गजिस्टर्ड रैंक के होने चाहिए, उनसे आपको साइन कराना होगा। उसके बाद जो आप कैरेक्टर कैरेक्टर बोल रहे हो ना, तो ये कैरेक्टर कैरेक्टर यही है जब आप यहां से साइन करवा के ले जाओगे, उसके बाद आप ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद आपसे एक सी एंड ए फॉर्म भराया जाएगा, कैरेक्टर एक फॉर्म भराया जाएगा आपको, उस फॉर्म में आप पूरी अपनी डिटेल्स इंटर करोगे और उसके साथ में जब आपका वेरिफिकेशन, जब आपका जो सी एंड ए वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ भेजा जाता है, आपके चौकी थाने में नहीं भेजा जाता है, आपके डीएम कार्यालय में भेजा जाता है, जिलाधिकारी कार्यालय में भेजा जाता है, वहां से डीएम कार्यालय से आपके नियरेस्ट थाना या चौकी को एक प्रतिलिपि भेज देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का आप पता करें, क्या ये व्यक्ति यहाँ पे सही है या इसका आचरण और व्यवहार कैसा रहा है और कैसा है, कैसा था। तो वहां से ये आपका जो वहां से साइन होके आता है, जो वहां से आपका सी एंड ए आता है फॉर्म, तो आपके उस फॉर्म के साथ में प्री वेरिफिकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी आती है, जो आप डीएम और एसडीएम साहब से साइन कराए हो, क्या वो सही है कि गलत है। यदि आप फ्रॉड करोगे तो वहीं पे फंस जाओगे, यदि आप फ्रॉड नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल आप साफ साफ बचे हुए हो। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय बताना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।